कभी कभी ना बंदा बहुत हार जाता है यार अंदर से। बाहर से दिखता है हंसता खेलता इंसान, अंदर से होता है अकेला खाली इंसान। तब ना कभी कभी मन करता है कि हार जाएं और छोड़ दें सब कुछ। उसी वक्त ख्याल आता है कि यार हारने के लिए तो ये सब शुरू नहीं किया था, तो जब तक जीतेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लगता है रोना गलत बात नहीं है। कौन कहता है कि रोना कमजोरों की निशानी है? रो करके तो आप अपने दिल के गम को हल्का कर सकते हैं, लेकिन रोना वही अच्छा है जहां सामने वाला आपके आंसुओं की कद्र करे। पता चला आप उस इंसान के सामने रो रहे हो जिसके लिए आपका रोना एक तमाशा है। वो तो एंटरटेन होता रहेगा आपके रोने से, लेकिन आपके आंसू बर्बाद चले जाएंगे मेरी जान। तो इसलिए अपना गम सिर्फ अपने तक रखना, दुनिया को तो बस मुस्कुराते हुए मिलना। एक बहुत बड़ी गलती हुई यार मुझसे। मैंने तुम्हें तो जाने दिया पर तुम्हारी यादों को नहीं जाने दिया। हर शाम अब भी अकेले में बैठकर तुम्हें याद करता हूं, उन पुराने लम्हों को सोचता हूं तो हर बार आंखों से पता नहीं क्यों आंसू निकल आते हैं। लिखना चाहता हूं तुमको लेकिन क्या लिखूं समझ ही नहीं आता। वापस से उन्हीं दिनों को याद करना बहुत तकलीफों भरा है। सुनो यार, ये क्या असर करके गई तुम कि ना तो तुम्हें भूल पाते हैं ना ही याद रख पाना आसान है।